बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत। अस्सलामु अलैकुम हरमीत, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? से आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं और हम इस दुआ, इस उम्मीद के साथ अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को आज के शो में खुश आमदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज आज की शेयर कर लेते हैं। आज बहुत कुछ है। अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुनिया के महंगे तरीन आम की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़े हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर जर्मनी ने एयर टैक्सी मुतारिफ करवाई है, ऑक्सफोर्ड में दाखिले पर लोगों ने एक नौजवान का दूल्हे जैसा इस्तकबाल किया, चित्राल का ये नौजवान है। और फिर हम बात करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी जो है वो लगा दी है। इन तमाम स्टोरीज पर हम बात करेंगे, फिर हम शो में आगे चलेंगे। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हर इंसान की ज़िंदगी में, रऊफ साहब, शादी भी अहमियत की हामिल होती है। कुछ लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो व्हिच थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ईदर शादी और करियर, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनल मौजूद होगा। फिर मलका बरतानिया के ताज में जड़े कोहे नूर हीरे हैं जिनकी वापसी का तकाजा किया जा रहा है, बड़े मुतनाज़े ये हीरे हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर जैसा कि हमें पता है कि 3 रोज़ पहले पाकिस्तान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अमेचोर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि यूथ की जो क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, उसको उजागर किया जाए, तो इस पर हम बात करेंगे। इसमें बहुत से लोगों को अवार्ड्स भी दिए गए, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था, इस पर एक नौजवान ने अवार्ड हासिल किया, वो नौजवान यावर शाह आज शो में हमें ज्वाइन करेंगे। फिर कराची और इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में हो रहा है, इस पर आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। और एंड पर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। डेली डोज आज की ये है कि पब्लिक डेली डोज है कि दुनिया के महंगे तरीन आम है। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर में एक कपल ने नायाब नस्ल के आम जो हैं उनको ग्रो किया है, और बहुत से चोर जो हैं वो इनको चोरी करने आ रहे थे। क्या खास चीज़ है आखिर इस आम में? इस आम आम तो आम ही है ना, लेकिन मेरा मतलब है कि उसकी नस्ल शायद ऐसी होगी जिसके, सबसे पहले कहा जाता है कि ये जो आम थे ये जापान में ग्रो किए गए थे, उसके बाद भारत में ग्रो किए इस कपल ने, और इसके लिए कहा जा रहा था कि हम 21,000 भारतीय जो रुपए हैं वो अदा करेंगे, ये आम दिए जाएं, लेकिन इस कपल ने इनकार कर दिया कि हम ये आम बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल इसी आम की आलमी मार्केट में फ़ी किलो कीमत 2,70,000 भारतीय रुपए थी, यानी 6.25 लाख भारतीय पाकिस्तानी रुपए थे। पता नहीं इन आमों में ऐसी क्या खसूसियत है, इस वक्त हम आपको ये पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है रऊफ साहब। हाँ, मतलब ये है कि कहीं पिंक कलर के हैं, ज़्यादातर पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं मिठास कैसी है, ये देखने में तो पता नहीं लग रहा, लेकिन खाने में पता चलेगा। लेकिन भाई एक बात है, मैं ये कह दूं, ये जितना भी महंगा आम हो, जो चौंसा है ना, क्यों जी हरमीत जी, चौंसा चौंसा ही होता है, कमाल है, है ना? तो मतलब मुझे नहीं पता ये चौंसे से बढ़ के मध्य प्रदेश का सबके। वैसे अगर मैं जितनी मर्जी मैंगो लवर, इसकी क्या खास क्वालिटी होगी, मैं जितनी मर्जी मैंगो लवर हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये ना कहूँ कि भाई मेरे से 21,000 रुपए ले लो, 6.25 लाख रुपए ले लो, 1 किलो आम दे दो। भाई क्यों, आम वैसे भी बड़े मजे के मिलते हैं, तो क्या जरूरत है इतने पैसे खर्चने की, जिसके हैं उसी को मुबारक हो। ज्यादा इसलिए ये ब्रांड वाली बात ना हो जाए, मतलब ये है कि जैकेट जो है आम बंदे की भी सिली हुई, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही कोई लुई बिताओ या मतलब इस तरह की कोई जैकेट लेके आ जाता है, तो पता चलता है कि जी एक जैकेट आपने पाकिस्तान से सिलवाई है, बहुत खूबसूरत है, वो 2,000 रुपये की है, और लुई बिताओ की वही जैकेट जो है वो कई लाख रुपए की है, उसी के साथ की मिलती जुलती, चूँकि टैग लग गया। हाँ। इन आमों के बारे में भी ये ना हो कि मध्य प्रदेश का कोई खास ब्रांड है जिसके बारे में मतलब ये हो कि जी वो बहरहाल ये जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जिसके आम है वही रखे, भाई हमें ऐसे आम नहीं चाहिए, मुझे कम से कम ऐसे आम नहीं चाहिए। खैर अभी हम अगली स्टोरी पर आते हैं, और वो मेरे ख्याल में हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हरमीत। नहीं नहीं नहीं, बस मैं वही कहना चाह रहा था रोहमा की बात के, मैं इतना महंगा जो आम है महंगे कभी नहीं लूंगी। आपको याद होगा ये जैपनी फल जो है मेरे गांव में बड़ा वैसे ही नॉर्मल बड़े दरख्त लगे हुए हैं, तो हम वैसे ही फ्री में खा लेते हैं। जब मैं उधर था सिंगापुर में,
तो उन्होंने कहा कि भैया इसके $7 कीमत है। मैंने कहा मेरे गांव आ जाओ तो मैं आपको फ्री दे दूंगा। तो हमारे यहाँ ज्यादा है रोहमा, इसलिए कह रही है कि भैया इसमें पैसे क्यों खर्च करें। खैर अभी हम अगली स्टोरी पर चलते हैं और वो स्टोरी ये है कि जर्मनी कंपनी ने एयर टैक्सी मुतारिफ करवा दी है। कम वक्त और कम रकम में अब जो सफ़र है वो मुमकिन हो चुका है। एयर टैक्सी मुतारिफ करवाई गई है इस जर्मनी कंपनी की जानिब से। इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी की जो पहली आजमाइशी परवाज थी उसने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के करीब से मकामी एयरपोर्ट से उड़ान भरी और ये परवाज 3 मिनट तक आसमान पर उड़ती रही जबकि इसमें कोई भी मुसाफिर सवार नहीं था। और इस जर्मनी कंपनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एयर टैक्सी की जो सर्विस है 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में शुरू की जाएगी। तो ये अगली स्टोरी थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब उससे पहले कई मुल्कों ने इसका तजुर्बा किया है। मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था कि UAE में भी एयर टैक्सी जो है वो मुतारिफ करवाई गई है। उनका पता नहीं अंजाम क्या हुआ और इसका क्या होगा, लेकिन फ्यूचर ये ज़रूर है। टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ये है कि आइंदा चल के आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें होनी है। टेक्नोलॉजी ने आगे जाना है, टेक्नोलॉजी ने रुकना नहीं है और इस बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये सक्सेस हो जाएगी इसकी। बिल्कुल जी हरमीत। रोहित साहब, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वैसे अगर हम बात करें जापान की, इंडिया में गुजरात के शहर में भी इस पर इस किस्म का एक्सपेरिमेंट हो चुका है और जिस तरह आपने UAE की बात की, लेकिन मैं अपने इलाके की तरफ दोबारा जाऊँगा। 2003 के लगभग वही मेरे ख्याल में वही दौर था जब एक लड़के ने जो जीप से इंजन निकाला और उसने एक इसी तरह एयर टैक्सी बनाई। और आपको इस बात पर यकीन आए शायद या ना आए, क्योंकि लेकिन वहाँ पर लोगों ने काफ़ी सफ़र किया, मैंने खुद देखा है वहाँ जाके। तो 3 लोग उसमें सवार होते थे और वो उसमें बाद फिर शहरियों ने जाके एतराज़ उठा दिए कि भैया हमारे घर है नीचे और ये उड़ान ऐसे भरते हैं। ऊपर से हुकूमत की जानिब से भी इजाज़तनामा नहीं मिला था, लेकिन अगर उस बंदे को अप्रिशिएट किया जाता, उसको थोड़ी बहुत जो है हुकूमत की जानिब से थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट मिलता, तो मेरे ख्याल में आज वो एक अच्छा एयर टैक्सी जो है या वो ड्रोन टैक्सी जो है उसको मुतारिफ कराते पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उसको ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, टैलेंट की कोई कमी यहाँ पर भी नहीं है। और आज अगर हम जापान और इनकी बात करें तो उनके पास बहुत सारी सहूलियात हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ 2-3 दिन तक ये कामयाब रही हैं ये टैक्सी, उसके बाद कोई खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन तो बात करने का मकसद ये था कि हम पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हम 2003 में जिस तरह से आपने बताया एक्सपेरिमेंट हो चुका है और हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर टैलेंट को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आगे क्या है हमारे लेवल पर कोई हौसला अफजाई नहीं होती, तो इसलिए ये जो काम है ये बीच में ही रह जाता है। खैर हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि चित्राल के करीब एक इलाका है, इसके एक नौजवान का ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। अब जब ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो जो अहले इलाका थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने इसको दूल्हे की तरह ट्रीट किया, इसको फूलों के हार पहनाए, साथ साथ इसके लिए इसके एजाज़ में खाने का भी इंतजाम किया गया, गाँव सजाया गया, फूलों की पत्तियां ने छावर की। और ये इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, ये वो नौजवान है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और लोग बहुत खुश हैं और ये उनकी जो खुशी सेलिब्रेट करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा निराला है। बड़े देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में, ख़ासतौर पे चित्राल जैसे इलाके से। या मुझे याद है बहुत अर्सा पहले कोयटा के एक नवाही गांव में एक वहाँ पे बिल्कुल एक हज़ारा कम्युनिटी का नौजवान था, उसका हार्वर्ड में एडमिशन हुआ था। तो जिस वक्त वो उस घर पहुँचाए तो उनके घर भी इसी तरह सेलिब्रेशन का माहौल था। अच्छा, तो हकीकत यह है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आम लोगों को दाखिला नहीं मिलता, तो इतने दूर अफ्तादा इलाके से वहाँ से उठ के किसी का पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और उससे बड़ी बात यह है कि आपकी इस खुशी में आपके रिश्तेदारों के अलावा, इमीडिएट फैमिली के अलावा, मतलब अहले इलाका शरीक हों, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। वरना हमारे यहाँ पर कहाँ लोग एक दूसरे की खुशी में शरीक होना पसंद करते हैं। तालीम का इसका मतलब ये, तालीम की अप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा है इनके इलाके में, चित्राल के इन इलाकों में, के लोग जो हैं वो उस तालीम के लिए बाहर आए हैं और उनको पता है। खैर
खैर अभी हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और वो स्टोरी ये है कि मुल्क भर में एक बार फिर से टिकटॉक पर पाबंदी जो है वो आयद की जा रही है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक जो दरख्वास्त थी वो जेर समात थी, जिसमें ये बात कही गई दरख्वास्त गुजार की जानब से कि जो टिकटॉक है उस पर गैर अखलाकी और गैर इस्लामी कॉन्टेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, शेयर किया जाता है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी देखा गया था कि पूरे मुल्क में टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी और अब ये पाबंदी जो है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सामने देखने में आ रही है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किए हैं और 8 जुलाई तक फरीकैन से जवाब भी तलब किया है। तो ये हमारी अगली स्टोरी थी और ऑब्वियसली इससे जो टिकटॉकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होंगे, टिकटॉकर्स मुतासर होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कोई ना कोई तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए। पिछले दिनों बहुत सी गैर अखलाकी वीडियोज़ जो हैं वो टिकटॉक के हवाले से गर्दिश में थी और ऐसी कि जिनको शरीफ खवातीन तो क्या मर्द भी देखना पसंद ना करें, इस कदर बेहूदा और बेहंगम किस्म की चीज़ें थी वो। तो मतलब यह है कि उस हवाले से फिर लोग ये तकाजा करते हैं कि अगर इसी तरह का मवाद नशर होना है तो उसे बेहतर है कि वो पाबंदी लग जाए। अच्छा, मेरे ख्याल में ये वाली इस तरह की जो ऐप्स होती हैं वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, एम्यूजमेंट के लिए होती हैं, तो इस पर हर एक को चाहिए कि वो अगर कॉन्टेंट का ख्याल कर लें तो जो लोग अच्छा कॉन्टेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ भी ज़रा ज़्यादती ना हो। तो यहाँ पर यह है कि बात जो है वो हाथ से आगे निकल जाती है। हरमीत मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए रोहमा, हाँ देखिए रोमा, बात वही है कि इस इन एप्लीकेशन के ज़रिए लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और जिस तरह गैर अखलाकी मवाद रोम साहब ने बात की तो वो ज़्यादा बिकता है और ज़्यादा हमारी जो नस्लें वो तो ज़ाहिर बात है उसे तबाह हो रही है आने वाली नस्लें, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखें तो टीनेजर जो है वो ज़्यादा इसी में एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, खासकर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो तलबा तलबात हैं। तो ये जो मवाद है बड़े आसानी से बिक जाता है और उनको उनसे कोई, क्योंकि बाहर मुल्कों में या अगर हम देखें तो इस किस्म की कोई गैर अखलाकी किस्म की वीडियो पाकिस्तान में भी बनी थी जिसके हवाले से हम लोगों ने ट्रेंड भी चलाया था, जिसका मकसद ये था कि हम जिंस परस्ती और दीगर चीज़ों को हम सपोर्ट इसको बिल्कुल बैन कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी ऑडियंस को गेन कर लेती जिसकी वजह से लोग इस किस्म के मवाद ज़्यादा जो है टिकटॉक पर डालते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से जैसे रऊफ साहब ने बात की, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि इस पे पाबंदी लग सके, कम से कम ये जो गैर अखलाकी मवाद है ये पाकिस्तान में कल, क्योंकि हमारा जो कल्चर से काफ़ी मुतासर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, उस पे पाबंदी लाजिम है। रूल्स और रेगुलेशंस जो दीगर एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मेरे ख्याल में रूल्स और रेगुलेशन सेट कर देने चाहिए ताकि गैर अखलाकी जो मवाद है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। खैर अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और वो स्टोरी ये है, बड़ी अनफॉर्चुनेट वो स्टोरी है कि लाहौर में 14 वार्डन्स के टेस्ट किए गए हैं जिनमें से 8 जो वार्डन्स हैं वो ड्रग पॉजिटिव आए हैं, यानी कि वो मनशियात का इस्तेमाल। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, लम्हा फिक्रिया है, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। 14 में से 8 वार्डन्स जो हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए, इसका मतलब यह है वो कोई ना कोई ड्रग्स यूज कर रहे थे और ये उन तमाम को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ ही एक फिक्र का लम्हा ये आया, फिक्र का मौका बन गया एक के तमाम वार्डन्स के टेस्ट किए जाएं। फिर अभी सिर्फ 14 के किए गए तो उनमें देखा जाए कि कोई ऐसी ड्रग्स की जो मकदार है वो तो नहीं पाई जाती उनके खून में। मेरे ख्याल में अब दीगर वार्डन्स के भी मतलब हर फेस में ये टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बिल्कुल चंद जो इस तरह के लोग होते हैं, चंद मछलियाँ जो होती हैं उनकी वजह से गंद फैलता है। तो मतलब वार्डन्स का जो निज़ाम आया था वो बड़ा ही अच्छा था, बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये जो है अगर ये ड्रग्स खुद यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी है, उसके ऊपर भी हाथ डालना चाहिए और जो यूज़ करने वाला है ये फिर आगे भी पहुंचा रहा होता है। तो पुलिस के अंदर अगर इस तरह की चीज़ होगी, कोई वार्डन्स के अंदर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो बड़ी अलार्मिंग है, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं। हरमीत बिल्कुल, रऊफ साहब अगर हम ट्रैफिक वार्डन की बात करें, सबसे मुश्किल ड्यूटी इन्हीं की होती है, क्योंकि चाहे वो सर्दी हो या गर्मी ये खड़े होते हैं और जिस तरह हॉर्न बजाना और इस किस्म के ट्रैफिक को मुनज़्ज़म तरीके से मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि पुलिस, तो इसमें कोई शक नहीं कि ड्रग्स और पुलिस का एक बहुत बड़ा साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करूँ तो वहाँ पर जो मुतालका थाने करीब वो बाकायदा मुलविस होते हैं, जो स्टूडेंट को सप्लाई होती है वहां से पैसे वो बटोरते हैं। तो ये एक सिस्टम इनका बहुत पहला चैन बना हुआ है,
तो अगर हम आज इन वार्डन की बात करें तो हम पहले जो दीगर थाने हैं वहां पे अगर हम देखें तो उन पर भी कोई चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, और सिपाही से लेके ऊपर के लेवल हाई लेवल तक ये पैसा सप्लाई होता है ड्रग्स का। मेरे ख्याल में वाकई ये चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद होना चाहिए और अभी दीगर वार्डन्स के भी टेस्ट होने चाहिए ताकि पता लगे ये काम कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन वाकई ये बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है और ऐसे कामों को रुकना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो ये जो ये कम ये वार्डन्स हैं, ये वाले वार्डन्स जो हैं, ये बाकियों को भी बदनाम करें। खैर, हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और वो ये है कि गैस बहरान पूरे मुल्क में सर उठाता जा रहा है, लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस बहरान देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग के दौरान ही में भी इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में रऊफ साहब दो ही तरीके हैं मतलब ये चीज़ें प्रोड्यूस करने के, एक तो एलएनजी दरामद की जाती है, एलएनजी के टर्मिनल की बहाली का काम होना है, और दूसरा ये कि मकामी सतह पर जो गैस फील्ड की बंदिश है उसकी वजह से ये जो गैस बहरान है ये सर उठाता जा रहा है, लेकिन इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं वो है। वो सब जो हैं वो जब आपस में आते हैं एक चैनल के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल और हमाद अजहर दोनों मौजूद थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि इनके दौर में ये हुआ कि टर्मिनल जो है वो वक्त के ऊपर नहीं बनाए गए, इन्होंने महंगी गैस खरीदी, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी टेंडर वक्त के ऊपर जो खोले जाने चाहिए थे टेंडर वक्त पे नहीं खुले, आवाम परेशान बैठे हुए हैं। और हकीकत यह है कि गैस की शॉर्टेज हुई हुई है, इस पर तमाम जो कराची की इंडस्ट्री है उसको बंद कर दिया गया है, उसके साथ सीएनजी जो स्टेशन है उनकी भी बंदिश हो गई है और अब घरों तक सूरत हाल आने वाली है। इसके साथ जो सप्लाई होती है बिजली घरों को उसमें भी कमी है गैस की, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है। अब हमाद अज़हर का कहना तो ये है कि जी बेसिकली तरबेला डैम का पानी जो है वो लो लेवल हुआ है, वो भी एक वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन हकीकत यही है कि ये नालायकी है, चाहे पिछली गवर्नमेंट्स को कहें चाहे अभी की गवर्नमेंट को कहें, लेकिन ये एक नालायकी है, इसको सही माने में फौरी तौर पे इसका सदेबाब कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इसका सदेबाब कर लेना चाहिए। और अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करें शादी इम्पॉर्टेंट है या करियर इम्पॉर्टेंट है, किसकी क्या प्रायोरिटी है और किस चीज़ को पहले कंसिडर करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और अभी हम बात करेंगे नाज़रीन, शादी हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनके ख्याल में करियर पहले स्टेबल होना चाहिए फिर शादी होनी चाहिए। तो ये दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में चलते हैं। हमारी यूथ असल में क्या चाहती है और विच थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, दोनों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाउस वाइफ और वेडिंग फोटोग्राफर हैं अमरीन इब्राहिम, हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच अमरीन। और साथ ही साथ हमारे साथ जो हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं वो एक्स प्रेसिडेंट वुमेन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स रह चुकी हैं, लुबना बयात। लुबना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी लुबना, आपके ख्याल में कि इंसान की जिंदगी में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, करियर और शादी किस चीज़ को पहले कंसिडर करना चाहिए? इसके साथ मेरे ख्याल में एक और भी चीज़ ऐड कर लें, और वो ये है कि आपका वास्ता तो बहुत ज़्यादा पड़ता होगा यूथ के साथ, उनमें अब नए बच्चों में क्या मतलब ट्रेंड आ रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या उनके जहन में आता है, क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको कॉन्फ्लिक्टिंग टू आइडियाज़ क्यों बनाते हैं। शादी तो सबकी हो जाती है, अगर आप देखें पूरी दुनिया में इट्स नॉट जस्ट टू लिमिटेड टू पाकिस्तान, एवरी वुमन एवरी मोस्ट ऑफ द वुमेन गेट मैरिड, और उसके साथ साथ वो करियर भी साथ चलाती है। आप कहीं पर भी नहीं जाए, हम मुसलमान हैं, हम फर्स्ट लेडी ऑफ इस्लाम को देखते हैं, हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और आप उनकी जब जिंदगी को देखते हैं तो शी वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमन ऑफ कुरैश, उनको प्रिंसेस ऑफ कुरैश कहा जाता था। शी गॉट मैरिड, शी बोर किड्स, एंड देन एट द सेम टाइम उनके जो कहते हैं कि जो उनका जो सीरिया जाता था काफिला, और तमाम काफिले एक तरफ होते थे और हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो ट्रेड की जो गुड्स होती थी वो एक तरफ होती थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक इतनी वो शार्प एंड स्मार्ट बिजनेस वुमन रही हैं। तो जो हमारा जो है, हमारा तो इस्लाम का
जो पहली फर्स्ट लेडी हैं वो तो हमारे लिए मशवरा होनी चाहिए। और जो जहाँ तक आप शादी की बात करते हैं, आई थिंक दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। और आप इसको एज के साथ हम लोग अनफॉर्चुनेटली उसको टैग कर लेते हैं कि जी शादी की उम्र गुजर जाएगी, लड़कियों के रिश्ते नहीं आएंगे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि शादी के लिए एज कहाँ से आ गई। शादी तो आप जब इस्लाम में सने बलूगत पे पहुँचते हैं उसके बाद आप किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं, निकाह उसका जायज़ है। और उसके लिए जो है वो अगर एक बच्ची है वो पढ़ रही है, अच्छा रिश्ता आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि लड़के वालों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। हमारे यहाँ सोसाइटी में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है कि अगर लड़की की एज गुजर गई, वो 26-27 क्रॉस कर गई और इवन 30s क्रॉस कर गई, तो फिर रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलेगा। देखिए जी, बात ये है कि यहाँ पर फिर हम हिंदुआना जो है रस्म रिवाज में जा रहे हैं ना, कि जिसमें इवन एक शादी होती है, एक टिपिकल जो है वो एक एज ग्रुप होता है। जबकि अगर आप अगेन हमें तो अपने मजहब को लेके चलूंगी कि मजहब में भी आप देखें तो जो हमारी फर्स्ट लेडी थी वो 40 इयर्स की थी जब उनकी जो है शादी हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उन्होंने खुद अपना प्रपोजल दे भेजा। सो दिट वॉज सच अ ब्यूटिफुल यू नो जेस्चर। और उसके बाद जो आपकी सेकेंड वाइफ थी हजरत बीबी सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो 50+ थी। हम बाकी मजवाज मुताहरात को देखिए तो सवाई सदर बीबी आयशा के हमारी सोसाइटी उन एग्जांपल्स को एग्जैक्टली जी यही तो बात है ना कि यहाँ पर द थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है, न्यू जनरेशन को चेंज करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने मर्दों की सोच को चेंज करने की जरूरत है कि जो निकाह है, निकाह को आप फरोग दीजिए। अगर बच्ची एक कॉलेज में पढ़ रही है तो उसका निकाह हो गया, सो व्हाट, लेट हर स्टडी, लेट हर गेट सम स्किल, और वो घर को भी और अपने जो है वो अपनी पढ़ाई को और अपनी स्किल को भी साथ साथ जा सकती है। बिल्कुल मोल्ड करने की जरूरत है। अमरीन आपसे ये जानना चाहूंगी, आपके ख्याल में विच थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, पहले क्या चीज टेबल होनी चाहिए और हमारी यूथ में आप क्या ट्रेंड देख रही है? मुझे ऐसा लगता है शादी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक औरत का पहला काम ये होता है कि वो घर चलाए। अगर माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं तो वो उनको ये सोच के पढ़ाएं कि वो उनको एजुकेट, उनको ग्रूम कर रहे हैं। अगर हम 2021 ट्रेंड्स की बात करें तो आजकल हर लड़की काम करना चाहती है, और ये बात लड़के वाले भी अंडरस्टैंड करते हैं। आजकल के जो नए यंग बॉयज़ हैं वो भी कहते हैं कि घर अब मियाँ बीवी मिलकर चलाएं। वो कॉन्सेप्ट बदल चुका है। मैं इस चीज़ को डिफेंड करूँगी कि अगर कोई लड़की पढ़ रही है 18 साल की या 20 साल की, आप उसको एजुकेशन से मत उठाएँ, उसकी शादी मत करें। एजुकेशन का मेन पर्पज़ ये होता है कि खुदा ना खास्ता आने वाले टाइम में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर उसे ऐसा सिंगल पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ करना है और वहाँ पर अगर उसकी एजुकेशन इनकम्प्लीट है तो फिर उस सारी सिचुएशन को से बचने के लिए आप अपनी बेटी को पढ़ाएं। और मुझे लगता है मास्टर्स कराना चाहिए है, बिफोर मास्टर्स आप बेटी की या बेटे की शादी नहीं करें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक कंपैटिबल फैमिली आपको मिल रही है जहाँ पर लड़के वाले अंडरस्टैंड करते हैं, प्लस देखिए आप ये भी देखते हो कि जो फैमिली है वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी लेडीज आर वर्किंग और वहाँ पर कॉन्सेप्ट है एक औरत के काम करने का कॉन्सेप्ट है, तो वाई नॉट कि अगर आप बेटी की शादी टाइम पे करें और फिर वो लेटर ऑन बच्चों के साथ साथ अपना जो उसके अंदर के एक पैशन है उसको साथ लेकर चले। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपसे साथ अगर इजाजत तो इख्तलाफ कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप हर एक की अपनी इख्तलाफ की इजाजत है। आपने कहा मास्टर्स, मेरा ये ख्याल है कि हुनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉलेज आया, आप देखे कि जो है वो जहाँ पर स्किल जो है ना, अभी मैं एक जॉब पोर्टल चला रही हूँ विच इज फॉर वेमेन जो कि काम पर वापस आना चाहती हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि स्किल बहुत ज़रूरी है। नॉट नेसेसरली कि आप उसकी शादी उस वक्त ना करें, 18 में ना करें, 19 में ना करें। अच्छा रिश्ता आता है 18-19 डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज शी इज़ मैरिजेबल जो इस्लाम के एक डेफिनेशन है, उसके बाद आप किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है जैसे आपने बात की कि इसमें बहुत लाजमी है कि बच्चियों को जो है स्किल देने की जरूरत है। देखिए हमारे मुल्क में 15% है। जी 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 हरनी। अच्छा मैडम ने कहा कि हिंदुआना रसूमात हैं, अनफॉर्चुनेटली हम स्टडी नहीं करते किसी और के रिलीजन को। मेरा ताल्लुक एक सिख रिलीजन से और यहाँ पे हिंदू की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हमारा शो देखती है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एक तो आप हिंदू रिलीजन कुछ स्टडी करें या उनके माशरे को, तो वहाँ पे भी शादियों का रुझान काफ़ी एज
एजिड लड़के जो है 30+ लड़कियों की भी शादी होती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह शादियों की बात हो रही है तो क्या देही इलाकों में अगर हम देखें, शहरी इलाकों में तो अब ये देखें कि चीजें बदल रही हैं, लड़के लड़कियां भी मैच्योर हो रही हैं और मैच्योर फैसले कर रही हैं, लेकिन देही इलाकों में हम देखते हैं कि ये हालात आज भी वैसे के वैसे हैं कि बच्चियों की शादी हो रही है, उसके बाद डेथ रेशो जो है वो भी ज्यादा है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए कि क्या कितनी अवेयरनेस की जरूरत है अभी? जी देखिए, मैं ये समझती हूँ, अगेन मैं जो आपने बहुत अच्छी बात की, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम देही इलाकों की अगर आप बात करते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन को जो है वो एक बेसिक एजुकेशन की बड़ी लाजमी ज़रूरत है, और उसके बहुत सारे अब तो जो है वो हर जगह स्कूल खुल रहे हैं, और अभी जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होगी, तो आई थिंक हमें अभी वो जो है एजुकेशन ग्रास रूट पे ले जाने की डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये कि उनको आप हुनर दे दें, उनको ये पता चले कि जी हमें जो है वो कल्टिवेशन कैसे, और आप बाय द वे जो देही इलाकों की औरत है वो जितना वो काम कर रही है ना बाहर, वो कोई भी नहीं कर रहा, जो वो फिजिकल लेबर करती है, जब वो जाके कपास उठाती है, जब वो जाकर गंदम का दाने चुनती है, जब वो जाकर फ्रूट्स के जो है ना वो करती है, तो वो साथ साथ वो है घर पे आती है, गोबर थोपती है, दूध निकालती है, बच्चे पालती है, बच्चे करती है, शी इज़ ऑलरेडी अ बिजनेस वुमन, शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग, लेकिन उसका क्योंकि वर्क मैनुअल वर्क है, एक जो है वो एक लेबर वर्क जिसको हम डेफिनेशन में कहते हैं, तो उसको हम लोग कभी कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि सर कैन आई स्पीक, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड में वो लोग ज़्यादा सर्वाइव किए हैं, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है लोगों को, मुझे लगता है करियर का पता ही नहीं है। देखिए मैं आई एम MBA, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मल्टीनेशनल में जॉब करूँगी और मुझे मिली भी, वो एक अलग चीज़ है, शादी हो गए बच्चे हो गए, बट मैं अभी जिस फील्ड में हूँ हमने लोगों को ये एजुकेट करना है कि मेरी अपनी ब्राइड्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, और वो अभी पिछले एक दो सालों से घरों में उन्होंने अपने आप को छोड़ा नहीं है, दे आर रनिंग देयर सैलॉन्स एट होम, किसी ने अपने कीटो का बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना, कि हुनर की बात है, अगर आपके पास तो एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन एजुकेशन से ज्यादा आपके पास स्किल। अभी अभी जो है वो आप इसी चीज को देख लीजिए कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हो रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, कोविड के बाद पूरी दुनिया में जो है वो एक डाउन टर्न ऑफ इकोनॉमी आ रहा है, सारी जॉब्स नहीं है सबके लिए, और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो लोग जो है वो अगर बच्चों को पढ़ाएं आप, साथ साथ उनकी उनकी जो शादियां कर दे, शादियों को फोकस मत बनाए, मेरा तो यही सोचोगे, क्योंकि आप इसको जो है शादियों को फोकस मत करना चाहिए, अगर आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए। अमरीन ने जैसे पहले कहा था, अमरीन ने पहले कहा था शादी, मतलब इसका मतलब ये है कि आप समझती हैं कि पहले शादी स्टैब्लिश हो जाए उसके बाद कोई और चीज़ स्किल या सर, मुझे ऐसा लगता है, देखें हर फैमिली का एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी, आप एक 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 चीज़ पे पेरेंट्स को स्टैंड लेना चाहिए, जब तक हमारी बेटी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेगी शादी नहीं करनी है, जब एक दफा अगर आपकी एजुकेशन हो जाती है और आपको आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, जिन्होंने अपनी शादी जिन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी होती है ना वो इन एनी केस कर लेती है, शादी भी हो जाती है तो वो अपनी ये मेरा एक्सपीरियंस बताती हूं, बहुत सारे इन लॉज ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं हम करा देंगे हो जाएगा, नहीं करते, अगर बेटी अपने माँ बाप के घर से पढ़ाई करके जाती मुझे लगता है वो ज्यादा सिक्योर होता है। कल ही का वाक्या सुनाते हैं, कल का एक वाक्या सुनेंगे, अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मजीद भी बात करेंगे कि हमारी यूथ असल में क्या चाह रही है, करियर अपना स्टेबल करना चाह रही है और होना क्या चाहिए, और होना क्या चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों चीजें साइड बाय साइड अगर सेट हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन खैर हमारे गेस्ट की इस पर क्या ओपिनियन है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पहले होना चाहिए, शादी या करियर आपका पहले स्टेबल होना चाहिए। लुबना, ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये वाक्या शेयर करना चाह रही थी, तो यहाँ से ही ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, कल मैं ऑफ टाइम में आपके साथ मैंने शेयर किया कि एक खातून मेरे ऑफिस में जो है शी वॉक्ड इन एंड शी very smart lady and wearing you know holding a designer's purse and everything, aur mujhe laga ki inko matlab affluent family ke background se hain, bahut educated lawyer and unhone kaha ji main kuch kaam karna chahti hu, main yahan aayi hu main kuch kaam karna chahti hu, maine kaha kyun, kehte I am wasted,
जो एक लफ्ज था उनका, मैं आई एम वेस्टेड, मैंने कहा जी व्हेन आई प्रूव्ड के मतलब उनका क्या बैकग्राउंड था, शी वाज अ हाईली क्वालिफाइड, शी वाज अ लॉयर, शी वाज एलएलएम एंड देन शादी के फॉर मतलब एजुकेशन के फॉर्म बाद उन्होंने शादी की, बच्चे थे उनके, छोटे छोटे बच्चे थे, हस्बैंड उनके जो है वो एग्रीकल्चर लैंड लॉट थे एंड बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ, ये नहीं था कि काम प्रॉब्लम, ये था कि शी हैड यू नो अ डिजायर टू गिव बैक, टू डू समथिंग विद हरसेल्फ. और एक वक्त ऐसा आ रहा था, कहते कि अगर मैंने अब कुछ ना किया, मैं आज घर से निकली हूँ, अब मुझे कुछ ना किया मैंने अपनी इस एजुकेशन के साथ, अपने आप के साथ, आई विल बी वेस्टेड. वही जो लफ्ज़ था ना कि आई एम वेस्टेड, डेट हिट माई हार्ट. क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो ख़वातीन हैं हमारी, मैं चार मुल्कों में मैंने काम किया और मैं रही हूँ, मोस्ट ऑफ माई लाइफ हैज़ बिन आउटसाइड पाकिस्तान. मैं आपको बता सकती हूँ जितनी मैंने टैलेंटेड ख़वातीन यहाँ की देखी, जितनी मैंने स्मार्ट ख़वातीन यहाँ की देखी हैं, जितनी मैंने इंटेलिजेंट ख़वातीन यहाँ की देखी हैं, पाकिस्तानी हमारी ख़वातीन कहीं दुनिया में नहीं है. अब आप जो है जब आप एकेडमिया में जाते हो तो टॉप 10 जो है पोजीशंस वो बच्चियां ले रही होती हैं. आप मुझे ये बताएं कि हमें यहाँ पर आप कहते हैं हाय जी बेराह रो ना हो जाए, हाय जी ये जो है ना ये लड़का पीछे पड़ गया, किसी के फ़ोन आने लगे. भाई एज है उनकी, आप निकाह को प्रमोट करें, अगर वो स्टूडेंट भी है, आप अगर दो कॉलेज स्वीट हार्ट कॉन्सेप्ट हैज़ बीन ऑलवेज देयर, आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, एज की एक तकाजे भी होते हैं. अगर आपको कोई अच्छा एक मैच मिल जाता है, आप बच्चों की शादी कर दें, निकाह कर दें, लेकिन असल चीज़ ये है कि पढ़ते रहने दें, काम करने दें, उसको काम करने दें. देखिए कोई मुल्क भी जो है वो तरक्की नहीं कर सकता जब उसकी 50% आबादी घर पे बैठ जाए, और वो भी वो 50% जैसे आपने कहा, आपने डॉक्टर्स की बात की, आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ कि कल एक जो है ना वो इतनी बड़ी सुर्खी अखबार की लगी हुई थी कि 85,000 जो है वो डॉक्टर्स है, लेडी डॉक्टर्स है जो घर में बैठे. अमरीन क्या रुकावट बन जाती है शादी करियर के रास्ते में? बिल्कुल नहीं, आपके सामने मेरी एग्जांपल है. आप है और बनना चाहिए. सर आई एम एमबीए, ठीक है. मुझे लगता था मैंने हमेशा 9 to 5 जॉब करनी है. जब मेरी शादी हुई मेरे इन लॉज में माहौल था कि जी आपके बच्चे और हस्बैंड डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, आप सुबह जाएं, आप ज़रूर काम करें लेकिन आप वापस आ जाएं बच्चे के साथ, आप घरदारी भी करें और आप अपना शौक भी पूरा करें जो आपने सीखा है, ठीक है. लेकिन टीचिंग वॉज नेवर मेरे ड्रीम्स में कभी भी नहीं था कि मैंने एक टीचिंग करनी, ऑल्दो इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन. बट मैंने टीचिंग के दौरान मैंने अपना टाइम नहीं वेस्ट किया. मुझे इतना पता था कि मैंने एक या दो या तीन बच्चे लाने हैं और इस टाइम में मेरे ज़िंदगी के 10 साल निकल जाएंगे. मैंने अपने आप को नहीं रखा कि जब मैं 10 साल बाद मार्केट में जंप करूँगी तो मेरे साथ वाले लोग बहुत आगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे. अभी आपको बताएंगे कि अमरीकी मालियाती मुशावरती फर्म मसर ने वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को 2021 के लिए दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में करार दिया है. अच्छी बात तो है. अच्छी बात तो है लेकिन मैं तो खुद हैरत ज़दा रह गया हूं. मैं तो खुद हैरत ज़दा रह गया हूं. अच्छा मुझे लगता था इस्लामाबाद बहुत एक्सपेंसिव सिटी है. मैं वहां थोड़ा अरसा रही भी हूं तो मुझे तो बड़ा महंगा शहर लगता है. अब ये हरमीत बताएंगे कि क्या इस्लामाबाद सस्ता शहर है या महंगा शहर है. देखिए रोमा, वैसे अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर की दुनिया के लिए बहुत सस्ता है. क्योंकि मैं जब बाहर था तो मुझे याद है 4-5 साल बाद जब मैं आज एक रेस्टोरेंट में बैठा, मेरे साथ पूरी हमारी फैमिली भी थी, तो जब वेटर बिल ले गया तो उसने बिल में था कि 2500 रुपया 3000 रुपया, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सस्ता है. तो बाहर के लिए कुछ भी नहीं होता लेकिन यहाँ जो रहते हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं, जॉब्स नहीं है, दीगर मसाइल काफ़ी हैं, तो इस वजह से हमारे लिए काफ़ी महंगा लगता है. लेकिन जो बाहर की दुनिया डॉलर्स में आते हैं तो उनके लिए तो बड़ा नॉर्मल सा है भाई इस्लामाबाद में रहना. हाँ कराची की अगर मैं बात करूँ तो कराची में इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे बात असल में ये है कि रोसर में कराची की बात करो, कराची में भी रहे हैं हम लोग. हाँ तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं. मैं वहाँ पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 50 रुपये में खाना चाह रहे हैं दिन का खाना तो आपको मिल जाता है. हाँ नहीं बात यही है कि आप किस तरह की जगह पे जाते हैं, ढाबों पे जाके खाते हैं. कराची ऐसा शहर है, इस्लामाबाद भी ऐसा शहर है कि मेरे ख्याल में जहाँ पे आपको महंगी तरीन जगह भी मिल जाएंगी और अगर आप देखना चाहें तो सस्ती तरीन जगह. मुझे लगता है लाहौर भी ऐसा ही शहर है, महंगी भी ऐसा ही होंगी. और अब ये डिपेंड करता है कि ये जो डेटा इकट्ठा करने वाले हैं उन्होंने किस जगह पे जाके डेटा इकट्ठा किया. खैर इस हवाले से बात करेंगे, एक रिपोर्ट पर देख लेते हैं, उसी रिपोर्ट चलकर देख लेते हैं.
महंगाई 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 कहाँ है महंगाई, ये तो बस सिर्फ है दुहाई। महंगाई का रोना रोने वाले आवाम के लिए खुशखबरी, अमरीकी मालियाती फर्म ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची को दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की ताज़ा तरीन फहरिस्त में शामिल कर लिया है। इन शहरों को सियाहत के लिए 2021 की नई दर्जाबंदी के तहत शामिल किया गया है। रिहायश, आमदोरफ्त, खाना और दीगर लवाजमात समेत 200 से ज्यादा अशिया का तकाबली जायजा लेने के बाद इन शहरों को गैर मुल्कियों के लिए दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में शामिल किया गया है। 5 बड़े आजमों के 209 शहरों में कराची को दुनिया का 9वां, इस्लामाबाद को 11वां सस्ता तरीन शहर करार दिया गया है। अमरीकी मालियाती मुशावरती फर्म मर्सर ने सर्वे में दुनिया के सबसे महंगे और इंतहाई सस्ते शहरों की फहरिस्त में तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद को दुनिया का सबसे महंगा शहर करार दिया है। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कराची की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन लाहौर की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो रोज़गार के मौके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे सस्ता तरीन शहर वो लगेगा जो शॉपिंग के लिहाज से सस्ता होगा, वो भले कराची हो, वो भले इस्लामाबाद, वो फिर कराची होगा। मतलब उसकी वजह यह है कि जो आउटलेट्स जिस तरह की कराची, हाँ मतलब वो आप उनकी जैनब मार्केट या इस तरह की जगहों पे जब आप जाएंगे तो आपको जो वो फैक्ट्री की आउटलेट्स वगैरह जो मिल जाती हैं वहाँ पे आपको कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद ये पिंडी का बाजार है, राजा बाजार, इसका बहुत सुना था कि जी बड़ा अच्छा बाजार है, बड़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और मैं इस्लामाबाद गई तो मैं स्पेशली वहाँ पर गई, हालांकि वो इस्लामाबाद से थोड़ा दूर है, पिंडी वाली साइड पर, हम स्पेशली उधर गई कि देखूँ तो सही राजा बाजार में ऐसा है क्या, कितनी सस्ती शॉपिंग है। बट व्हेन आई वेंट देयर तो आई वाज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड, मुझे बाजार अच्छा नहीं लगा, शॉपिंग के लिहाज से भी बड़ा रश था। जैसे आपको लाहौर की याद आई होगी फिर बाद में, मुझे ऐसे लगा लाहौर से ज्यादा चीजें वहां से, लाहौर से भी मंगवाई जाती हैं, राजा बाजार तो ये भी है, लेकिन हाँ बेहतर है, कदर बेहतर है आप रावलपिंडी के दीगर बाजारों से। और लेकिन क्वालिटी वाइज भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी और बुरी भी मिल जाती है। लेकिन हाँ ये है कि इस्लामाबाद, फिर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद में वही जीन्स जो आपको राजा बाजार में मिलती है वो इस्लामाबाद में अगर वहाँ पे आपको 1500 की मिलती है तो यहाँ पे 3000 और 3500 की मिलेगी, तो ये तो है। हाँ डिपेंड यही करता है ना, मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप किस तरह की जगह पे जाते हैं। अब आप कोई डिज़ाइनर कपड़ों की जगह पे जाएंगे, चाहे आप कराची जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, लाहौर आएँ, आपको सबके रेट एक ही बराबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सस्ती चीज़ों की तलाश में जाएं तो फिर शायद मेरे ख्याल में कराची, मेरा वोट कम से कम कराची के लिए होगा। मैं तीनों शहरों में मैंने रह के देखा है, तो मेरा वोट भी वैसे वहां की तरफ है। और खाने पीने का भी अक्सर ज़ैनब मार्केट और वहां सदर जाके चीजें वगैरह खरीदने के लिए जाता था जब कराची में था। खाने पीने के लिहाज से सर बेस्ट है, खाने पीने के हवाले से, खाने पीने के लिहाज से कौन सा सस्ता होगा? मेरे ख्याल में अगर ब्रांड्स वाली साइड पर जाना है तो मेरे ख्याल में तीनों शहर ही, अगर हम लाहौर की भी बात करें, एक जैसे महंगे होंगे। अच्छा, अब जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है ना, उसके हवाले से हम देखें तो उसको तीनों शहरों में अगर देखा जाए तो ये भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में उसके लिए इस्लामाबाद होगा, क्योंकि अगर हम जितने भी नॉर्दर्न एरिया जाए तो उसके लिए हमें जो पड़ाव डालना पड़ता है वो पहले इस्लामाबाद आना पड़ता है, फिर हम उससे आगे कहीं जा सकते हैं। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी लोग मैंने देखा है कि ज़रा वो पीसफुल एनवायरनमेंट अगर एंजॉय करना चाहें तो वो प्रेफर करते हैं कि हम इस्लामाबाद जाके थोड़ा सा पहाड़ों में रहें, मरी भी करीब है, बाकी एरियाज भी करीब वहाँ से हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। लाहौर में देखा जाए तो लाहौर में जैसे कल ही हमने दिखाया था कि अब ऐसे तारीखी मकामात हैं, बादशाही मस्जिद है, शालामार बाग है, आपका लाल किला है, उसके साथ फूड स्ट्रीट्स हैं, तो वो भी मतलब हम इसको शामिल कर लेते हैं। हालांकि मर्सर में इसको शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतनी महंगी नहीं है, तो अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो उसके लिए एक अट्रैक्शन जो है वो तारीखी मकामात को देखने के साथ नित नवे अनवा के खाने। अच्छा, लेकिन मैं फूड स्ट्रीट के अगर खानों का जिक्र करूं, जिस तरह से आपने भी बात की, लाहौर का नाश्ता, लाहौर का नाश्ता, तो लाहौर में बड़े ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जहाँ के नाश्ते कोई एक पॉइंट नहीं है, बेशुमार ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जहाँ का नाश्ता बड़ा जबरदस्त है। लेकिन फूड स्ट्रीट की हम स्पेसिफिकली मुझे सबसे ज्यादा अगर अच्छा कुछ लगा है तो वहाँ का नाश्ता बड़ा कमाल का लगा है। कहाँ का नाश्ता लाहौर में? लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर की। अच्छा अच्छा, मैं फूड स्ट्रीट की बात कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जितने फैंसी अब रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े महंगे हैं, फूड स्ट्रीट अब इतना सस्ता नहीं है। वो भी डिपेंड करता ना फूड स्ट्रीट के किस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं।
तो मैंने भी सस्ता रेस्टोरेंट तो कोई नहीं नजर आया। हाँ, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हम ये कह रहे हैं ना, जब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो टूरिस्ट के लिए जगह जो है वो जब वो पाकिस्तानी करेंसी में उसको कन्वर्ट करता है तो उसको सस्ती मिलती है, उसको सस्ती लगती है। तो उस हवाले से फिर हम ये बात करेंगे, कराची जो है ना उस रैंकिंग के ऊपर आ जाए तो मेरे ख्याल में कराची में जैसे अभी हरमीत ने कहा था 50 रुपए में आपको खाना मिल जाएगा, तो बाकी 50 रुपए में आपको लेकिन खाना मेरे ख्याल में वो लाहौर में भी अगर हम ढाबों वगैरह को देखें ना तो यहाँ पर भी आपको 50 रुपए में खाना, ये पक्की लाहौरी है भाई वगैरह है तो मिलता है। लेकिन दो चीजें होती है, एक तो हम वही बात है रोमा, रीजनेबल की अगर हम बात करें तो फिर ऐसा आता है कि हाँ, एक आम आदमी अगर खाना खा रहे उसको भूख लगी तो भैया 50 रुपए भी खाना खा लेगा। हाँ, अगर एक आपने जाना है बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे 10,000-20,000 का भी खाना मिल जाता है, फर्क तो है। लेकिन हम अगर उस लेवल का सोचे जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, जब आप डॉलर देते हो ढेर सारे पैसे आपको मिलते हैं ना, और फिर जब आप होटल जाते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या प्राइस है, तो वो कहते हैं 3,000, 4,000 या 5,000, तो उसके लिए तो बड़ा नॉर्मल हो सा है, और 10,000 भी 20,000 तक भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बाहर यही होटल्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। खैर, अल्लाह करे मतलब पाकिस्तान में अमन सुकून इसी तरह से चलता रहे जैसे अभी है, हालात बेहतर हैं और उन हालात की बेहतरी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से टूरिस्ट हमारा काफ़ी आएगा, टूरिज्म से पाकिस्तान जो है वो ढेर सारा पैसा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी है, कि स्विट्जरलैंड जो है वो अपने कोई 80 करोड़ डॉलर शायद सालाना जो है वो कमा लेता है और हमारी आमदन कितनी कम है टूरिस्ट के हवाले से। असल बात यह है कि क्लैनलीनेस वैसे हो, मैं कोई और सेगमेंट हुआ, कोई और बात हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि जो स्विट्जरलैंड में मेरा रहना हुआ है और वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट मैंने देखे, मैं वो कितना फ़र्क है उनका ज़्यादा पाकिस्तान के साथ और असल फ़र्क क्या है। हालांकि स्विट्जरलैंड दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में है, एक इंतहाई महंगा मुल्क है। उस हवाले से बात करेंगे, मैं हम एक ब्रेक ले लेते हैं हमारे मेहमान। बिल्कुल, अभी हम एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो इनेकाद किया गया था, इसमें बहुत सी शॉर्ट फिल्म को अवार्ड्स मिले थे, उसमें एक फिल्म मेकर जो थे जिनको अवार्ड मिला गया था वो हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद ये था कि यूथ की जो क्रिएटिविटी है उसको उजागर किया जाए, तमाम यूथ जो है उसको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और जो यूथ में टैलेंट है उसको उजागर किया जाए। और इस फिल्म फेस्टिवल में मुख्तलिफ शॉर्ट मूवीज़ और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज जो थी वो पेश की गई। ऐसी ही एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है दीदावर, इसके फिल्म मेकर यावर शाह आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी मिला है। थैंक यू सो मच यावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है इसने अवार्ड भी हासिल किया। ये बताइएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है आपने किस टॉपिक पर बनाई है? थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे मदद करने के लिए। और मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो इसलिए कि एक खातून हैं जिनका नाम है डॉक्टर फरादीबा अकरम, और वो पिछले 15 सालों से ऐसे बच्चों के लिए स्कूल चला रही हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उस मकसद के लिए ना उन्होंने शादी की, उनको वो खाना प्रोवाइड करती हैं, उनको वो कपड़े प्रोवाइड करती हैं, उनको ना सिर्फ वो तालीमी मेयार के मुताबिक लेके चलती हैं बल्कि उनको एथिकली भी ऊपर उठा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊँ, जो 15 साल पहले उन्होंने जो जिन बच्चों को लिया था ना सर, आज कोई FC कॉलेज में बैठा हुआ है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, कोई राबिया बसी यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है उनकी स्टूडेंट, तो वो एक ऐसी क्लास जो कल को पता नहीं क्या बनती, आज वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। तो ये जो चेंज का एक अमल उन्होंने शुरू किया है जिसमें वो अपना खून पसीना एक कर रही हैं, तो ये मेरी डॉक्यूमेंट्री थी। और इंस्पिरेशन कहाँ से आई, आइडिया कहाँ से आया और ये फिर स्टोरी किसने लिखी? बेसिकली ना मैं खुद हॉस्टलाइड हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ में हॉस्टल में पढ़ता था, तो मैं ना इन चीज़ों को बड़ा स्टडी को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा कीन होके देखता था, तो मुझे मैं चाहता था कि मैं कोई इस तरह का कोई सेटअप होना चाहिए जो हमारे कौम को सर्व कर सके। तो मैंने इसको ढूंढा, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, मैंने अपनी फैमिली से बात की, मैंने अपने टीचर से बात की, फिर मेरे एक टीचर है मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, सर रजा जैदी, उन्होंने मुझे कहा कि एक निजी चैनल के ऊपर जो है ना एक खातून को दिखाया गया, मुझे अब नाम उनका नहीं आता,
कहते हैं कि वो लाहौर की ना ईदी है तो तुम उसको ढूंढो। तो मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मेरे एक सर हैं, फिर मैंने उनको कहा सर साथ मुझे प्लीज मुझे ढूंढ के दें, वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने मुझे विद इन 5 मिनट ना वो लिंक ढूंढ दिया। फिर मैंने वो लिंक देखा और देखने के बाद फिर मैं तक पहुंचा। और मैं जब जा रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया 3 दिन में, फिर दैट्स अनदर स्टोरी। फिर मैं वहां गया और जाकर उनकी मिनते चिंते की, वो बहुत खुश हुए कि चुंगी अमर सद्दू जैसे इलाके में कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट आया और वो कह रहा मैंने आपके अपना थीसिस करना है, बेसिकली दिस इज माई थीसिस ऑल्सो। तो मैं वो बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुआ। फिर वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना, मैंने 15 दिन वहाँ पे रेकी की, वो सब मेरे दोस्त बन गए। और फिर मैंने रेकी अच्छा, करने ये थीसिस तो आप, मतलब ये अभी आपने बताया कि ये दिस वाज पार्ट ऑफ योर थीसिस। yes. लेकिन ये आपने तब सोचा था कि ये डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म फेस्टिवल में पेश की जाएगी, फिर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड भी हासिल करेंगे, ऐसी वाली थॉट्स आई थी माइंड में? जी वो नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फिल्म फेस्टिवल विनर तक की तो थॉट्स नहीं आई थी। लेकिन हाँ, हमें ISPR की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से गाइडलाइंस दे दी गई थी कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं और ये हमारे थीम्स हैं तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बेस्ट टाइम है ना कि मैंने थीसिस भी डॉक्यूमेंट्री करनी है और मैंने वो भी करना है, तो मैंने पूरी जान लगा दी। तो वो फिर अल्लाह का करम है। अच्छा, अब ये बताओ कि मतलब जैसे स्क्रिप्ट बड़ा मुश्किल होता है जी, पहला स्टेज जो है जी, उस तक कैसे पहुंचे, उसके बाद उसकी विजुअलाइजेशन है जी, आपने मतलब वो की है, रैकी आपने पहले से कर ली हुई थी, तो ये तीनों स्टेजेस आपने खुद ही मिलके की जी? मैंने सब कुछ डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, रैकी, फिर एडिटिंग पे मैं एडिटर के साथ बैठा हुआ था, एडिटर जस्ट लाइक अ मशीन। यहाँ एडिटर से बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम अपने A+ के नाज़रीन को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो हमें पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। जी आवर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।